तो चलिए विस्तार से बात करते हैं पहली बड़ी खबर पर, यानी कि गुरुग्राम से जो खबर आई है। भारतीय जनता पार्टी की दो दिवसीय बैठक का आज दूसरा दिन है। बीजेपी सांसदों और विधायकों की आज बैठक जो है वो हो रही है। बैठक में संगठन को मजबूत करने पर बातचीत हो रही है। 2024 में किस तरह से हरियाणा के चुनाव जीतने हैं, किस तरह से लोकसभा चुनाव में सांसदों का प्रदर्शन रहने वाला है, इन सभी तैयारियों को लेकर इस वक्त विचार मंथन किया जा रहा है। हालांकि बैठक कल भी हुई थी, लेकिन सांसद और विधायक कल की बैठक में नहीं थे। कल संगठन स्तर की बैठक थी, कल जिला अध्यक्ष इसमें थे, जिला प्रभारी इसमें थे, लेकिन आज सांसद और विधायक आए हैं, यानी कि जो जनप्रतिनिधि हैं वो आज आए हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी आज ही इस बैठक का हिस्सा बन रहे हैं और बीजेपी कार्यालय गुरुकमल में ये जो बैठक है वो चल रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। बैठक में मुख्य रूप से केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, राव इंद्रजीत सिंह, केंद्रीय संसदीय बोर्ड के सदस्य सुधा यादव, साथ ही जो संगठन के लोग हैं, यानी कि संगठन मंत्री रविंद्र राजू हुए या प्रदेश के जितने भी मंत्री, सांसद, विधायक, पूर्व प्रत्याशी, वो सब शामिल हैं। बैठक में गृह मंत्री अनिल विज, कृषि मंत्री जेपी दलाल और निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता, खेल मंत्री संदीप सिंह, सांसद संजय भाटिया, नायब सिंह सैनी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला, महामंत्री वेदपाल एडवोकेट, ऐसे कई नेता हैं जो मौजूद हैं। 2024 के चुनाव और संगठन को लेकर मंथन किया जा रहा है गुरुग्राम में, और गुरुग्राम से मेरे सहयोगी देवेंद्र भारद्वाज जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। देवेंद्र, यहां पर तो जिस तरह से लोगों के हमने नाम गिनाए हैं, ऐसा लग रहा है कि हरियाणा सरकार में जितने भी बड़े बड़े पद पर जो मंत्री बैठे हैं वो सब यहां पर मौजूद हैं, जितने सांसद हैं जो प्रतिनिधित्व करते हैं संसद में हरियाणा के राज्य का, वो भी यहां पर मौजूद हैं। तो किस तरह की रणनीति पर, किस तरह के मुद्दों पर बातचीत हो रही है, विषय क्या क्या होंगे जिन्हें आज इस बैठक में छुआ जाएगा? देखिए, बिल्कुल, मुख्यमंत्री मनोहर लाल इस बैठक में शामिल हुए हैं और निश्चित तौर पर जिस तरह से संगठन को मजबूत करने के साथ साथ 2024 की रणनीति भी से इस बैठक के मार्फत की जा रही है, और ओम प्रकाश धनखड़ जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के, इसके साथ साथ राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह भी इस बैठक में मौजूद हैं, और विप्लव देव जो हरियाणा प्रभारी हैं, तो कहीं ना कहीं सीधे तौर पर कहा जा सकता है इस पूरे बैठक के मार्फत कोशिश यही है कि 2024 का जो टारगेट है उस टारगेट को अचीव किया जाए, और अभी से ही उसकी तैयारी साफ तौर पर देखी जा सकती है। देवेंद्र, इससे पहले बीजेपी का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा, लेकिन एक बैसाखी की जरूरत तब भी सरकार बनाने के लिए बीजेपी को लगी, और वो बैसाखी बनी जेजेपी, फिर चाहे उसे गठबंधन कह लें, फिर चाहे उसे राजनीतिक प्रेम कह लें, चाहे जो कह लें। तो क्या इस बार भारतीय जनता पार्टी का फोकस कुछ ऐसा होगा कि बहुमत अपने दम पर हासिल कर सके, हरियाणा की जनता को अपनी योजनाओं के माध्यम से अपने पक्ष में ला सके और अगले चुनाव में और बेहतर प्रदर्शन कर सके, जो 40 के आंकड़ा है इसको पार कर सके? देखिए, बिल्कुल, कोशिश यही है, और इसी कोशिश के मार्फत 2024 की तैयारी अभी से कर दी गई है, क्योंकि चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा चुनाव हो, तो इसमें सीधे तौर पर यह कहा जा सकता है कि इस चुनाव को मद्देनजर रखते हुए 2024 की तैयारी को लेकर अभी से ही जो मंथन है, सरकार की नीति है, जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं को सीधे तौर पर यहाँ 2024 में जो टारगेट रखा गया है उस टारगेट को पूरा अचीव किया जाए, और इसी टारगेट के मार्फत कोशिश यही है कि अभी से ही इसकी तैयारी की जा रही है। संगठन की अगर बात करें तो अभी बीजेपी में भी इस तरह की चीजें देखने को मिली, जहां पर राव इंद्रजीत सिंह जो हैं वो खुश नहीं थे बीजेपी के कुछ विधायकों से, मुख्यमंत्री के साथ भी उनके जो तल्ख अंदाज थे वो देखने को मिले। तो जिस तरह से कांग्रेस पिछड़ गई कई चुनावों में इस वजह से कि आंतरिक तौर पर सारी स्थितियां ठीक नहीं थी, क्या बीजेपी इस पर भी काम करेगी कि संगठन के जितने लोग हैं वो एक दूसरे से मेल मिलाप थोड़ा बढ़ाएं, चाय कॉफी एक साथ करें, और थोड़ी सी ये बैठक जो है ये इस काम में मदद करे कि हाँ, सब लोगों के बीच में रिश्ते अच्छे हैं, सब मिलकर काम करेंगे, बीजेपी के लिए काम करेंगे, चुनाव के लिए काम करेंगे? देखिए, बिल्कुल, कोशिश यही है, क्योंकि कल पदाधिकारियों की जो बैठक हुई उसके बाद अब लोकसभा के जो सांसद हैं वो और विधायक तमाम इस बैठक में शामिल हैं, और इस बैठक के मार्फत कोशिश यही कि किसी तरह से समन्वय में कोई गैप ना है, आपस में जो समन्वय स्थापित रहे, और 2024 का जो टारगेट है उसको सही तरीके से और बेहतर प्रदर्शन करते हुए अचीवमेंट किया जाए, तो इस बैठक के मार्फत कोशिश यही है, और इस मंथन के बाद जिस तरह की चीजें निकल के आएंगी, क्योंकि अब धीरे धीरे जाकर एक एक घर जाकर एक कार्यकर्ता और तमाम जो सांसद हैं, विधायक हैं, तो वो अपने क्षेत्र में जाकर बात लोगों के साथ संवाद स्थापित करेंगे और अपनी सरकार की जो योजनाएं हैं, जो सरकार के काम हैं, उनको गिनाने की कोशिश भी करेंगे।
बिल्कुल, और जिस तरह की तस्वीरें हम देख रहे हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की तस्वीर के आगे उन्होंने माल्यार्पण किया है, जो लोग वहां पर पहुंचे हैं दीप प्रज्वलन किया है, और सभी वो जो भगवा पटका जो है, जो कि पहचान है बीजेपी की, वो लेकर आए हैं यहां पर। जो तस्वीरें हैं वो इस बात की गवाही दे रही है कि बीजेपी जो है वो एकजुट है और मिलकर तैयारी कर रही है हरियाणा चुनाव को जीतने की, 2024 के लोकसभा चुनाव को जीतने की। निश्चित ही गुजरात चुनाव से बहुत कुछ कॉन्फिडेंस आया होगा और हिमाचल चुनाव से कहीं ना कहीं सीख ली होगी, उसी का इस्तेमाल इस बार हरियाणा के चुनाव में बीजेपी करने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र इस जानकारी के लिए।